हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये आपकी केमिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर है और आपकी साइंस की बुक का भी दूसरा चैप्टर है। फिजिक्स और बायोलॉजी के जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, इस बुक के, वो हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, कैसे पता लगाएंगे कि कौन से पदार्थ शुद्ध है, वास्तव में शुद्ध पदार्थ की परिभाषा है वो क्या होती है, और जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उनके अंदर जो घटक हैं वो किस किस प्रकार के उपस्थित हैं, उसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं अथवा नहीं। अपनी पिछली क्लासेस में हम बात कर चुके थे समांगी विलयन के बारे में, संतृप्त असंतृप्त विलयन के बारे में, एवं इन सभी बातों को हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने समझा था सांद्रता, और सांद्रता के लिए दो तरीके हमने फाइंड आउट किए थे कि द्रव्यमान प्रतिशत एवं आयतन प्रतिशत से हम किसी विलयन की सांद्रता किस प्रकार से ज्ञान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं निलंबन क्या होता है, निलंबन के अलावा कोलाइडी विलयन क्या होता है। कोलाइडी विलयन में हम ये समझेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना जिसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव और टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की जो घटना है ये क्या होती है, किस प्रकार के विलयनों में होती है, एवं कोलाइडी विलयन में जो दो घटक उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन के जो उदाहरण हैं उनको हम डिटेल में आज की क्लास में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ज्यादा लेट न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पिछला जो कुछ भी पढ़ा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और समझना स्टार्ट करते हैं निलंबन को स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निलंबन को, तो हम हेडिंग पुट अप करेंगे निलंबन, निलंबन और सस्पेंशन बोलते हैं इसे। निलंबन के जो गुणधर्म है ये हमने विलयन दो प्रकार के पढ़े हैं स्टूडेंट, समांगी और विषमांगी। तो निलंबन एक विषमांगी विलयन है या फिर विषमांगी घोल है। यह एक कैसा है, विषमांगी विलयन, और इसे हम घोल भी कहते हैं क्योंकि जो विलेय में जो विलायक में जो विलेय घोला जाता है वो घुलता नहीं है इसमें, ठीक है। विलेय पदार्थ के कण इसमें घुलते नहीं हैं, लेकिन वो हमको क्या होते हैं, दिखते रहते हैं। तो इसीलिए हम इसे विषमांगी विलयन या फिर इसे घोल भी कहते हैं। जैसे आप घोल बनाते हैं ना कोई, तो घोल क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलयन पानी के प्रकार का हो गया जिसमें विलेय और विलायक के कण आपस में मिल जाते हैं, लेकिन घोल में आप देखेंगे कि घोल में वो मिलते नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से निलंबन होता है जो उसमें विलेय के कण जो होते हैं वो विलायक में एक प्रकार से घुलते नहीं हैं, वो दिखते रहते हैं या फिर अलग रहते हैं, ठीक है। तो विषमांगी विलयन है एक निलंबन या फिर विषमांगी घोल, और इसमें जो कण होंगे विलेय के कण इनको हम आंखों से देख सकते हैं, विलेय के कणों कण आंखों से देखे जा सकते हैं। देखे जा सकते हैं, ये हम गुण पढ़ रहे हैं इसके निलंबन के, ठीक है। तो पहली दो चीजें क्या है इंपॉर्टेंट, कि ये एक प्रकार का विषमांगी विलयन है या घोल है, इसमें विलेय के जो कण है वो आंखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दो इसमें ध्यान रखना है, नंबर वन तो ये है कि जो विलेय के कण हैं, विलेय के कण अगर इनसे होकर के कोई प्रकाश किरण जाएगी ये कण प्रकाश कि किरण को फैला देते हैं, वो फैला देते हैं, मतलब अगर प्रकाश किरण इससे इस विलयन पर से होकर जाएगी तो प्रकाश की किरण जो है वो फैल जाएगी, ठीक है। प्रकाश की किरणों को फैला देंगे इस विलयन के कण,
फैला देते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं, जब इस विलयन को बना करके निलंबन को हम क्या करेंगे, शांत छोड़ देंगे, तो क्या होगा, जो ये विलेय पदार्थ के कण हैं ये तली में बैठ जाते हैं, बर्तन की तली में बैठ जाते हैं जिसमें कि हमने निलंबन को रखा हुआ है। निलंबन विलयन को शांत छोड़ देने पर जो कण हैं, विलेय के कण हैं, विलेय पदार्थ के कण शांत होकर शांत होकर नीचे बैठ जाते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको इन कणों को अलग हटाना होगा, तो जो छानन की प्रक्रिया है, फिल्ट्रेशन का जो मेथड है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो ये था आपका निलंबन। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमको समझना है वो है कोलाइडी विलयन। तो अब हम समझेंगे कोलाइडी विलयन को, कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में विलयन, स्टूडेंट्स यदि हम बात करें तो विलयन कब बनता है, जब विलेय और विलायक को मिलाया जाता है तो विलयन बनता है। तो सिंपली अगर कोलाइडल विलयन है तो कोलाइडी विलयन भी किसी विलेय और विलायक को मिलाने के कारण ही बनेगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो विलेय है और विलायक है उनको हम कुछ और कहते हैं, मतलब उनको विलेय विलायक ना कह करके उनको हम कुछ और नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, विलेय पदार्थ के जो कण होंगे, या फिर जो जिस घटक को, जिस पदार्थ को हम विलेय के रूप में प्रयुक्त करेंगे, उसे हम कहते हैं यहाँ पर, उसे हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, विलेय पदार्थ के कण की तरह, विलेय पदार्थ की तरह जो पदार्थ इसमें यूज होगा विलयन में, वो हो उसे हम कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। और जो विलायक पदार्थ की भांति रहेगा, जो घटक विलायक की भांति इसमें कार्य करेगा, उसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, उसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन जो है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें हम दो शब्दों का यूज करेंगे, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था का क्या मतलब है, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब विलेय पदार्थ है सीधा सीधा, ठीक है, मतलब जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था कोलाइडी विलयन के मामले में, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम किसको कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम कहेंगे विलायक को, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को आप जहां कहीं पर भी सुनते हैं कोलाइडी विलयन में, उसका मतलब कुछ नया नहीं बल्कि इनमें विलेय और विलायक ही है। तो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं कोलाइडी विलयन के गुणों को। तो कोलाइडी विलयन के गुणधर्म वास्तव में बात करें तो आपको देखने में लगेगा कोलाइडी विलयन जो है एक प्रकार का समांगी है, समांगी मिश्रण है, आपको लगेगा एक प्रकार से देखने में कोलाइडी विलयन समांगी मिश्रण, बट वास्तव में कोलाइडी विलयन क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन, या तो इसको जस्ट शॉर्ट में लिखते हैं
कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, समांगी मिश्रण नहीं है। समांगी और विषमांगी में हमने डेफिनेशन पढ़ी है इनकी स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो वो चीज आपको याद होगी। कोलाइडी विलयन एक कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसके अलावा विषमांगी मिश्रण क्यों होता है? क्योंकि सपोज इस बर्तन में विलेय है, सॉरी विलेय विलायक है, और ऊपर से हमने इसमें विलेय मिला दिया, ये तो विलेय और विलायक के कण जो होंगे आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो जो ये कण है ये समान रूप से फैल जाते हैं। ये क्या होते हैं? समान रूप से फैल जाते हैं, समान रूप से फैल जाते हैं, तो इसीलिए हमको लगता है कि जो ये विलयन बना है ये समांगी है, लेकिन वास्तव में समांगी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। तो कोलाइडी विलयन आपको जो दिखता है वो आपको ऐसा लगेगा कि समांगी है, बट वो समांगी विलयन नहीं है, समांगी मिश्रण नहीं है। अच्छा, इनके कणों का आकार छोटा होता है और इनको हम आंखों से नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पर हम कणों को कणों का आकार छोटा है इसीलिए हम क्या करते हैं इनको, इसीलिए हम इनको आंखों से नहीं देख सकते हैं। आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि कणों को हम क्या करते हैं आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो तीसरी घटना, अब बताओ आपको, पिछले जब हम निलंबन पढ़ रहे थे तो वहां पर दो पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिए, तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन है इसके कणों को आकार छोटा है, हम इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतना बड़ा है कि ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, और जो प्रकाश किरण का जो मार्ग है वो हमें दृश्य होता है, मतलब वो हम देख सकते हैं, तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जो घटना है इसका हम एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं, कोलाइडी विलयन के कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने की जो घटना है ये सबसे पहले देखी थी एक साइंटिस्ट ने, ठीक है, और इन साइंटिस्ट का नाम है टिंडल। इन साइंटिस्ट का नाम क्या है? टिंडल। तो टिंडल ने क्या देखा कि जो कोलाइडी विलयन है ये क्या कर रहे हैं, ये प्रकाश किरण के मार्ग को, प्रकाश किरणों को फैला तो रहे हैं, जिस कारण क्या हो रहा है, प्रकाश किरण का मार्ग हम देख भी पा रहे हैं। ये घटना सर्वप्रथम टिंडल ने देखी थी, इसीलिए इस घटना को हम इनके सम्मान में टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव की जो घटना है वो क्या हो गई कि प्रकाश की किरण जो है, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार छोटा है, इन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन इतना इतना बड़ा तो है कि यदि कोई बर्तन में अगर मैं कोलाइडी विलयन रख दूं, यहां से प्रकाश का कोई स्रोत है, सपोज ये टॉर्च है, इस टॉर्च से मैंने प्रकाश किरण यहाँ इस बर्तन पर डाली, तो ये जो प्रकाश किरणें हैं इस बर्तन से होकर जाएंगी, इस बर्तन में कैसा विलयन है? कोलाइडी विलयन। ये कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कण हैं ये क्या करेंगे, इस प्रकाश किरण के जो मार्ग है इसको फैला देंगे, ठीक है। इसको फैलाने के बाद हमें ये मार्ग जो है, प्रकाश किरणों का मार्ग जो है, दिख सकता है। बात समझ में आई?
तो ये टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके इस चैप्टर का, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? टिंडल प्रभाव नामक जो घटना है, ये टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने, टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। इन्होंने देखा कि कोलाइडी विलयन के जो कण हैं, ये प्रकाश किरण को आसानी से फैला देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो होती है, ये प्रकाश का मार्ग है, हमें दृश्य होता है, इसे देख सकते हैं। इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव की घटना देखते हैं। अच्छा, टिंडल प्रभाव की घटना को आप कहाँ देख सकते हैं? तो इतना आप लिख देंगे इसमें, ठीक है। इसको लिखने में हम ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। जो पीछे हमने थर्ड पॉइंट लिखा है, यही टिंडल प्रभाव है। ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है, यही टिंडल प्रभाव है। इसको आपको यहाँ पर लिखना है। अच्छा, कहाँ पर देखा है? एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें, तो आप कहाँ पर देखते हैं? तो मॉर्निंग, आप इसको अपने घर में, आपने इसको रियलाइज किया होगा, जब सुबह में धूप आती है घर में, ठीक है। और क्या होता है कि धूप आती है घर में आपके रोशनदान से, आपकी खिड़कियों से, और सुबह के वक्त जो है घर में झाड़ू लगने का भी समय होता है। तो जब झाड़ू लगता है तो धूल उठती है। तो आप कभी ध्यान देना कि जो रोशनदान से, खिड़की से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, वो जो धूल है, धूल के कण हैं, वो क्या करते हैं? उसकी किरण को फैलाने का काम करते हैं। प्रकाश की जो किरण है, जो धूप से आ रही है, जो फिर जो सूर्य से आ रही है, ठीक है। तो वहां पर आप टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। इसके अलावा आप कहाँ पर देख सकते हैं? इसके अलावा आप देख सकते हैं घने जंगल वाला जो रास्ता होता है। कभी आप ये तो आप ऐसे एरिया में रहने वाले होंगे कि जहाँ पर पेड़ वगैरह ज्यादा होंगे, थोड़ा फॉरेस्ट टाइप का एरिया होगा, या फिर आप कभी गाड़ी से किसी जंगल वाले रास्ते से गए होंगे, किसी घने पेड़ वाले रास्ते से गए होंगे, तो घने जंगल में आपने देखा होगा कि कुहासा होता है। क्या होता है? कुहासा। अब ये कुहासा क्या हो गया? कुहासा एक प्रकार का कोहरा हो गया, ठीक है। कुहासा क्या हो गया? एक प्रकार का कोहरा हो गया। तो इस कुहासे, घने जंगल में जो कुहासा होता है, ये भी क्या करता है? जो सूर्य की किरण है, इसको सूर्य की किरणों को फैलाता है, ठीक है, फैलाते हैं। कुहासा की जगह आप कुहासे के कण लिख लीजिए। कुहासा की जगह आप क्या लिख लीजिए? कुहासे के कण, कुहासे के कण, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो घने जंगल में कुहासे के कण जो है, सूर्य की किरणों को फैलाते हैं, और ये टिंडल प्रभाव की घटना के समान है। तो तीन पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे। तीसरे पॉइंट में हमको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली कि क्या है वो? वो है टिंडल प्रभाव की घटना। और टिंडल प्रभाव की घटना में हमने देख लिया कि जो कोलाइड विलयन के जो कण हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रकाश किरण के रास्ते में आकर के प्रकाश किरण को फैला देते हैं, और जो मार्ग है प्रकाश का, वो हमें दृश्य होता है, यानी उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और फटाफट से देख लेते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है, जब इनको हम शांत छोड़ देंगे तो क्या होगा? जो निलंबन हमने देखा था, निलंबन में यदि हम कणों को शांत छोड़ दे रहे थे, निलंबन को हम शांत छोड़ दे रहे थे, तो विलेय पदार्थ के कण शांत होकर नीचे बैठ जाते थे। इसीलिए हम इनको क्या कर सकते थे? छानन प्रक्रिया द्वारा इनको हम अलग कर सकते हैं। छानन प्रक्रिया मतलब, अभी हम आगे जो मिश्रण है, मिश्रणों को अलग, मिश्रण के घटक को अलग अलग करने की जो प्रक्रियाएं हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये निलंबन है, इसमें अगर ऐसा हो रहा है कि हम किसी विलयन को शांत छोड़ देते हैं, और उसके जो कण हैं, किसी एक घटक के जो कण हैं, वो शांत होकर नीचे बैठ जा रहे हैं, तो छानन प्रक्रिया द्वारा हम इसको छान सकते हैं। इसी प्रकार जो ये कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन के कणों को हम छानन प्रक्रिया द्वारा, हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो छानन प्रक्रिया द्वारा हम इन कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है? किस प्रकार से हम ये कोलाइडी विलयन को अलग करेंगे? तो एक प्रक्रिया आपने आगे पढ़नी है, जिसका नाम है अपकेंद्रीकरण, ठीक है, अपकेंद्रीकरण।
तो ये अपकेंद्रीकरण क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से हम अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया अपना करके हम किसी कोलाइडल विलयन के जो घटक है उनको अलग अलग कर सकते हैं, इस बात को हम समझेंगे आज। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि निलंबन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है। ठीक है, अब कोलाइडी विलयन के उदाहरण हम देख लेते हैं बहुत जल्दी से। कोलाइडी विलयन में जो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये मैंने आपको बताया, ये हो सकते हैं काफी प्रकार के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको अब वन बाय वन समझेंगे कि ये कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर ठोस द्रव गैस में से अगर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था अगर अलग अलग हो जाए तो क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोलाइडी विलयन के जो कोलाइड्स के उदाहरण हैं वो आपकी बुक में इस प्रकार की एक टेबल है। तो परिक्षेपण, जैसे कि मैं कह रहा था, परिक्षिप्त प्रावस्था जो है इसको और परिक्षेपण माध्यम जो है इसको चेंज करके हम डिफरेंट प्रकार के कोलाइडी विलयन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था का क्या मतलब हुआ, परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब विलयन। ठीक है, और परिक्षेपण माध्यम मतलब विलयन। तो जब परिक्षिप्त प्रावस्था होगी द्रव, पहले अगर परिक्षिप्त प्रावस्था है द्रव और परिक्षेपण माध्यम है गैस, तो इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसको हम एरोसोल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एरोसोल। इसके उदाहरण आप देखते होंगे, कोहरा, बादल, कुहासा, ये सभी क्या है, इसके एरोसोल के उदाहरण। इस प्रकार से जब ठोस एवं गैस परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम होंगे तो हमको जो कोलाइड मिलेगा उसे हम कहेंगे एरोसोल, इसे भी हम क्या कहेंगे, एरोसोल। तो परिक्षेपण माध्यम में आप ध्यान देना, अगर दोनों गैस होंगे, दोनों परिक्षेपण माध्यम गैस होंगे, परिक्षेपण माध्यम गैस होगा जब भी, चाहे परिक्षेपण प्रावस्था ठोस हो या द्रव हो, तो वहां पर सॉल बनता है। ठीक है, कोलाइड जो है उसका नाम सॉल होता है, एरोसॉल। ओके, एरोसॉल होता है। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, धुआं और जो स्वचालित वाहनों का जो निथार होता है, जो एग्जॉस्ट होता है, उसको भी हम एरोसॉल के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार से परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम द्रव, तो कोलाइड का नाम फोम, जैसे उदाहरण शेविंग क्रीम। परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव, तो जो कोलाइडी विलयन बना है इमल्शन, और इसके उदाहरण दूध और फेस क्रीम। इसी प्रकार से सोल, फोम, जेल, ठोस सोल, ये सभी क्या है, कोलाइडी विलयन के प्रकार है। जस्ट आपको ध्यान देना है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण जो माध्यम है वो अलग अलग होने से ये सारे हमको कोलाइडी विलयन के प्रकार मिलते हैं, और ये इनके उदाहरण है। तो इतने स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने समझा, कोलाइड को हमने अच्छे तरीके से समझा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किया निलंबन एवं कोलाइडी विलयन को, और कोलाइडी विलयन से जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो था टिंडल प्रभाव और कोलाइडी विलयन के गुण एवं कोलाइड्स के प्रकार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। चैप्टर को जो है कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिएगा। जो इस चैप्टर की पिछली वीडियो, पिछली क्लासेस है उनको भी कवर अप कीजिए, ठीक है, और उनको भी समझिए। हम आगे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम ये जो मिश्रण है इनको पृथक कर सकते हैं, इनको किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं, और मिश्रणों को जो अलग करने की जो विधियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और आज के लिए, क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।